गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर इसकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट हमने गोलीय कोष के कारण हमने विभव पढ़ लिया और अचालक गोला इसी कारण भी हमने विभव पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, द नेक्स्ट हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है और आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्लियर है? आवेशों के निकाय के बच्चों स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यहां आपको पता लग रहा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि हमें यह आपको पता है स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सिस्टम है, मेरे पास सपोज करो क्या है, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है। मान लो मैंने मान लिया ये एक्स अक्ष है और ये मैंने बच्चों क्या मान लिया, वाई अक्ष। तो सपोज करो मैं आवेश को मैंने रखा है Q1, दूसरा आवेश में लेके आया Q2, तीसरा आवेश लेके आया Q3। अब मान लो ये जो Q1 है वो मूल बिंदु के सापेक्ष R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, Q2 जो है वो मूल बिंदु के सापेक्ष R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो Q3 है वो मूल बिंदु के सापेक्ष कहां पे रखा हुआ है, R3 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है आवेशों के निकाय का निर्माण करने के लिए हमने एक सिस्टम बना दिया जिसमें मान लो 3 चार्ज है, तो क्या कहेंगे इसकी परिभाषा क्या बनेगी? स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है? हम आवेशों के निकाय की बात कर रहे हैं, तो आवेशों के निकाय का निर्माण करने के लिए, क्रिएट ए सिस्टम, वी नीड एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आवेशों के निकाय का निर्माण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवेशों के निकाय का एक आवेश, दो आवेश, दो से ज्यादा आवेश, आवेशों के निकाय का निर्माण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है? तो बच्चों कम से कम यहां दो आवेश लेके चलते हैं, वे एक आवेश, अब समझे इस बात को, सपोज करो मेरे पास यहां कोई Q1 आवेश है। क्लियर? ये मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई आवेश नहीं है, तो आप किसी आवेश को लेके आओगे तो अगर यहां विद्युत क्षेत्र होगा तो ही तो कार्य करना पड़ेगा। मैं मान लो आवेश को कहां से लेके आता हूं बच्चों, अनंत से लेके आते हैं। जब हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं तो आवेश को अपन कहां से लेके आते हैं, अनंत से लेके आते हैं। अनंत का मतलब होता है 0.0 पोटेंशियल एनर्जी, हमने आवेशों के निकाय का निर्माण करना है, यानी हमें आवेशों को लाना पड़ेगा। तो आवेशों को अपन कहां से लाते हैं, अनंत से लेके आते हैं। अनंत पर जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। यानी हम उन्हें कुछ स्थिति प्रदान कर रहे हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो कार्य बच्चों होता है विद्युत क्षेत्र में। कार्य क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में होता है कि इस आवेश को मैं लेके आ रहा हूं तो इसके क्षेत्र में ला रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है और अपन एक आवेश को अनंत से ले आए तो यहां हमें कोई कार्य की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपन बात करेंगे दो या दो से अधिक आवेशों का, तो इसकी परिभाषा अपन और कैसे दे सकते हैं,
देखो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा तो क्या लिख सकता हूं मैं कि दो या क्योंकि तो एक आवेश को जब आप लेके आते हो और अगर मान लो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यह बाह्य विद्युत क्षेत्र को मैं जीरो मान के चल रहा हूं तो क्या बोल रहे हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से, कहां से लाना है बच्चों अनंत से, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, यानी हमें कार्य करना पड़ेगा, किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है तो समझे इसको आप, यानी ये कार्य है, हमें कार्य निकालना है तो मैं दो आवेशों को लेकर चल रहा हूं पहले, तो इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं निकाय की बात कर रहे हैं तो मैं ले रहा हूं दो आवेशों के लिए, दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय के लिए बच्चों स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश को लेके चल रहे हैं ठीक है, दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा तो समझे इसको। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखिए बच्चों हमें आवेश को कहां से लाना है, आवेश को हमें कहां से लाना है अनंत से लाना है, कहां से लाना है भाई अनंत से लाना है ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आवेश को कहां से लाना है अनंत से लाना है, अनंत पर, अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है बच्चों जीरो, यानी हम उन्हें स्थितिज ऊर्जा प्रदान करेंगे ठीक है। तो ध्यान रहे सजातीय आवेश आप ला रहे हो, सजातीय आवेश ला रहे हो, सजातीय आवेशों के लिए, सजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ कि मान लो पॉजिटिव आपके पास है आप पॉजिटिव लेके आ रहे हो तो सजातीय आवेशों के लिए हमें किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, सजातीय आवेशों के लिए हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। क्लियर है सजातीय आवेशों के लिए हमें, क्योंकि हम देखो पांच लेके आएंगे तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है कार्य, तो वही कार्य क्या होती है बच्चों स्थिति ऊर्जा होती है। तो मैं दो आवेशों की बात कर रहा हूं, क्लियर है तो ध्यान रखिए अगर सजातीय आवेश पर बात करें तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से समझें दो आवेश हमारे पास है तो सपोज करो यहां पर अभी कोई आवेश नहीं है, इस सिस्टम में कोई भी आवेश नहीं है ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि मैं आवेश को कहां से लेके आ रहा हूं अनंत से लेके आ रहा हूं ठीक है, कहां से लेके आ रहा हूं बच्चों अनंत से लेके आता हूं। तो मान लो मैं अनंत से सपोज करो क्यू वन आवेश को ले आया, अनंत से कहां पे ले आया क्यू वन आवेश को ले आया मैं, क्लियर है तो इसको लाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि भाई किया गया जो कार्य होगा कार्य W ठीक है बच्चों विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा यानी हम Q1 आवेश को लेके आए, यहां अभी कोई विभव नहीं है Q1 आवेश को हम लेके आए लेकिन इस क्षेत्र में कोई विभव नहीं है तो किया गया कार्य क्या होगा जीरो। तो आप ध्यान दें कार्य का मतलब होगा
विभव इनटू आवेश, तो आवेश को ला रहे हैं क्यू वन, ठीक है। और अभी यहां कोई विभव नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे कि कार्य का मतलब क्या हो जाएगा, विभव इनटू आवेश, क्लियर है ना। Q1 आवेश को हम लेके आ रहे हैं, यहां भी कोई विभव नहीं है, जैसे मान लो यहां कोई विभव नहीं है, कोई आवेश नहीं है ना यहां पर, तो कोई विभव नहीं है, ला किसको रहे हैं, Q1 को ले आए। ये W1 की बात करें तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, Q1 आवेश को लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्लियर है। अब सपोज करो मैं Q2 आवेश को लेके आ रहा हूं, कहां से ला रहा हूं, अनंत से ला रहा हूं, तो सपोज करो मैं Q2 आवेश को ले आया यहां पर, और Q1 से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, क्लियर। हम Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, तो अब Q2 आवेश को लाने में इसके विभव के कारण हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब Q1 आवेश है, यानी Q1 का r डिस्टेंस में विभव होगा, तो क्या होगा देखो, Q2 आवेश को अनंत से Q1 से r दूरी तक ला रहे हैं, Q2 आवेश को अनंत से लाएं, Q1 से r डिस्टेंस में ला रहा हूं, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो आप कहोगे सर कार्य विभव इनटू आवेश, तो किया गया कार्य W2 बराबर, ठीक है, तो Q2 आवेश को ला रहे हो इस पॉइंट पर ला रहे हो, तो यहां इसका विभव होगा, तो क्या होगा Q1 का, तो विभव Q1 का विभव, ठीक है बच्चों, और किसको ला रहे हैं, Q2 आवेश को ला रहे, कार्य का मतलब होता है विभव इनटू आवेश, तो भाई ला किसको रहे हो, आप कहोगे सर हम Q1 को लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, किसके विभव में ला रहे हैं, Q1 के विभव में ला रहे हैं, तो ये W2 इज इक्वल टू क्या हो गया, अब Q1 का Q2 वाले पॉइंट पर विभव कितना होगा, r डिस्टेंस पर, आप कहोगे सर k q1 upon r, ये हो गया Q2, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है, आरे बात समझ में, किसी भी आवेश को जब अनंत से लेके आते हैं तो हमें किसी विद्युत क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है, तो जब सिंगल आवेश को लेके आते हैं, मैं मान रहा हूं कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, Q1 आवेश को लेके आ रहे हैं, तो यहां कोई विद्युत क्षेत्र कोई आवेश नहीं है, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, यानी W1 क्या हो गया, जीरो। Q2 आवेश को लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जहां Q2 आवेश को आप लेके आ रहे हो वहां Q1 का भी विभव होगा, तो Q1 का पोटेंशियल होगा Q2 वाले पॉइंट पर, तो Q1 का विभव होता है के Q1 अपॉन आर इनटू Q2, तो इसलिए जो कुल किया गया कार्य होगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है, हम सीधे भी लिख सकते हैं लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रहे, वैसे तो दो आवेश हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R, और यही किया गया कार्य निकाय की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यानी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, क्लियर है, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप ध्यान रखें, K Q1 Q2 अपॉन R, क्लियर, तो आप देख रहे हैं यहां पर, देखो तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R, तो एक पेयर बन गया बच्चों, Q1 Q2 का एक जोड़ा बन गया, तो आप ध्यान रखें जब भी आप किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालें तो एक पेयर यानी जोड़ा यानी युग्म, एक पेयर को एक बार काउंट करना है, एक बार काउंट करना है, क्लियर है, क्वेश्चन में ध्यान रखना, अभी तो दो आवेश है, मान लो तीन होते चार होते तो एक पेयर एक ही बार आएगा, दो बार वो नहीं आएगा, कहने का मतलब चाहे K Q1 Q2 अपॉन R हो या K Q2 Q1 अपॉन R हो, एक ही बात है, एक पेयर को एक ही बार काउंट करना है, U बराबर क्या हो गया K Q1 Q2 अपॉन R, तो आप देख रहे हैं Q1 Q2 अगर सहजातीय होंगे, क्या होंगे बच्चों, सहजातीय, सहजातीय मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव,
यानी कहने का मतलब Q1 Q2 greater than 0, इसका मतलब U greater than क्या होगा 0, यानी बच्चों जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा भाई बढ़ेगा, क्लियर है ना। तो ध्यान रखें स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि होती है क्योंकि कार्य अदिश राशि है, तो आपको आवेशों को चिन्ह सहित मान रखना है। आवेशों को कैसे मान रखना है बच्चों, चिन्ह सहित मान रखेंगे, कैसे रखेंगे चिन्ह सहित। तो दो आवेशों के निकाय की जो स्थिति ऊर्जा है उसका फॉर्मूला K Q1 Q2 / R। तो चलो तीन की बात और करता हूं मैं, और क्लियर हो जाएगा आपको, तीन की बात करते हैं। तो मैं बच्चों बात कर रहा हूं तीन आवेशों के लिए, तीन बिंदु आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तीन बिंदु आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा की बात मैं कर रहा हूं, क्लियर है। तो सपोज करो मेरे पास तीन आवेश हैं, बिंदु आवेश Q1 Q2 और Q3, क्लियर बच्चों। मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई Q1 का जो स्थिति सदिश है वो R1 है, Q2 का जो स्थिति सदिश है वो R2 है, और Q3 का जो स्थिति सदिश है वो बच्चों क्या है R3 है, क्लियर। ये मैं मान के चल रहा हूं, तो आपको पता है अगर मैं मानो Q1 को लेके आता हूं, मैं किसको ले आया Q1 को, सपोज करो मैं यहां Q1 को ले आया, ठीक है, फिर मैं Q2 को लाऊंगा, इस तरह मान लो मैंने इस तरह सिस्टम बना लिया, कोई ये मान लो Q2 हो गया, ये मान लो क्या हो गया Q3, आनंद से लेके आ रहे। तो Q1 का जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष R1 है, Q2 का कितना बच्चों R2 है, और Q3 का स्थिति सदिश कितना है R3 है, ठीक है। Q1 Q2 के बीच की दूरी मैं मान रहा हूं बच्चों R12, ऐसे से मान रहा हूं R23, वैसे मैं क्या मान रहा हूं R31 या R13 भी मान सकते हैं, क्लियर। तो अब देखिए हमें पता है कि Q1 को जब आप लेके आओगे, Q1 को यहां बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों अनुपस्थित, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस क्या है, जब भी हम किसी सिस्टम की किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो हम जो आवेशों को लेके आते हैं वो अनंत से लेके आते हैं, और हमें कुछ विभव में कुछ विद्युत क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चों स्टोर हो जाता है। तो क्लियर, पहले समझो कोई भी आवेश नहीं था तो मैं Q1 को लेके आऊंगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो आपको पता है Q1 को जब आप अनंत से लेके आओगे, Q1 को अनंत से लाने में किया गया कार्य W1 क्या हो जाता है बच्चों जीरो। Q1 को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जब आप Q2 की बात करें, इसी बात करें बच्चों Q2 की बात करें, तो Q2 में तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 को लेके आओगे तो Q1 को तो आप ले ही आए, तो Q1 का विभव होगा, तो W2 क्या हो जाएगा कि Q1 का तो विभव कार्य बराबर विभव इंटू आवेश, और किसको ला रहे हैं Q2 को ला रहे Q1 का तो क्या हो गया विभव, Q2 वाले पॉइंट पर इस Q1 का विभव होगा, अभी Q3 नहीं है, Q1 को ले आए आप Q2 को ला रहे हैं, तो जब Q2 को लाएंगे तो Q1 का पोटेंशियल होगा, देन वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो W2 इज इक्वल टू, अब देखो Q1 का Q2 वाले पॉइंट पर विभव तो क्या होगा K Q1 / डिस्टेंस कितनी है R12, और ये Q2 है ही, इक्वेशन नंबर 2।
तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, क्लियर बच्चों। अब आप बात करें क्यू थ्री की, बात करें तो क्यू थ्री वाले केस में क्या होगा, कितना कार्य होगा। जब आप क्यू थ्री की बात करेंगे तो भाई अब क्यू वन भी है और क्यू टू भी है, तो क्यू थ्री वाले पॉइंट पर क्यू वन का भी विभव होगा और क्यू टू का भी विभव होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा डब्ल्यू थ्री बराबर, अब विभव कौन कौन से हो गए, क्यू वन व क्यू टू का तो विभव वे दोनों का होगा ना, जितने आवेश उतने विभव। हम Q3 को लेके आ रहे हैं भाई, तो जिस पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो, इस पॉइंट पे हम लेके आए तो इस वाले पॉइंट पर इस भी आवेश का विभव होगा और इस आवेश का भी क्या होगा, विभव होगा। तो हम दोनों को काउंट करना पड़ेगा, तो Q1 में Q2 का विभव और इसको लेके आ रहे हो, Q3 को लेके आ रहे हो, किसको लेके आ रहे हो भाई, Q3 को, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि W3 इज इक्वल टू Q1 का विभव निकाले Q3 के लिए। तो देखो K Q1 इस वाले पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है R31 प्लस Q2 का विभव K Q2 अपॉन R, यानी डिस्टेंस यहां पर इस वाले पॉइंट पे निकाल रहे हो इस आवेश के कारण, दूरी कितनी है R23 थ्री इंटू में क्या हो गया बच्चों Q3, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R31 या R13 भी लिख सकते हैं, प्लस K परिमाण ले रहे हैं Q2 Q3 अपॉन R23, इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड, क्लियर बच्चों। तीनों आवेश आ गए ना, तीनों आवेश हमें हमारे पास आ चुके हैं, तो क्लियर है। तो टोटल किया गया कार्य, कुल कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तो इसमें वैल्यू रखें हम, तो बच्चों W1 तो जीरो है, प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, और W3 की वैल्यू हमारे पास है K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यहां जो टोटल कार्य है, इतना हमें जो वर्क परफॉर्म करना पड़ा, ये जो किया गया कार्य है वो उस निकाय में कौन सी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितित ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो स्थितित ऊर्जा को हम किससे शो करेंगे, यू से। तो क्या आया बच्चों, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो तीन आवेशों के निकाय के लिए ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो आप देख सकते हैं एक जोड़ा तो ये बन गया Q1 Q2 वाला, देखो हमारे पास तीन चार्ज है Q1 Q2 और Q3, तो एक जोड़ा ये बन गया Q1 Q2, दूसरा Q2 Q3 और तीसरा क्या हो गया बच्चों Q1 और Q3। तो आप ध्यान रखें इन क्वेश्चनों में कि कोई भी जोड़ा रिपीट नहीं होना चाहिए, एक जोड़ा एक ही बार आएगा, एक जोड़े को एक ही बार काउंट करेंगे, कोई भी जोड़ा रिपीट नहीं हो, क्लियर बच्चों। तो K Q1 Q2 अपॉन R12, ये जोड़ा बन गया Q1 Q2 अपॉन R, डिस्टेंस कितनी R12, K Q1 Q3 अपॉन R31 या 13 परिमाण ले रहे हैं, दूरी है, और K Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। तो ये हमारा तीन आवेशों के निकाय के लिए बच्चों क्या था, स्थितिज ऊर्जा थी, क्लियर। एक क्वेश्चन लेके चलो बच्चे, इस पर क्वेश्चन ले,
एग्जाम्पल है आपका, 11वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.11। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन आवेश का आपको सिस्टम दे रखा है, -4q यहां रखा हुआ है, +q और +2q। -4q +q +2q आपको आवेश दिए हुए हैं, क्लियर है, और ये a डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो और आपसे कह रहा है कि आपको गिवन है कि क्यू, ये जो क्यू दिया हुआ है ना क्यू, तो क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 1.0 × 10⁻¹⁷ कूलम, एंड वी हैव ए इज इक्वल टू 0.10 मीटर, क्लियर। तो क्वेश्चन कह रहा है इस आवेश का जो निकाय है उसके आप क्या निकालिए, स्थितिज ऊर्जा निकालिए। क्या निकालिए, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो वही फॉर्मूला काम लेंगे, ये मान लो Q1, ये Q2, ये Q3, तो आपको क्या करना है, जोड़े बनाओगे आप, U इज इक्वल टू के, Q1 Q2 अपॉन, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरा जोड़ा, तो क्या फॉर्मूला रखेंगे, के चिन्ह सहित मान रखने हैं, Q -4Q, ये जोड़ा ले लिया, डिस्टेंस a, फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन r, तो चिन्ह सहित मान रखने हैं आपको, क्लियर, प्लस थे, अब ये